आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस किया था, आज दूसरी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे एडवांस सॉर्टिंग के बारे में। एडवांस सॉर्टिंग के बारे में मतलब कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और सॉर्टिंग और फिल्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जानिए कि मान लीजिए कि मुझे अपने डेटा में एक एक रो कॉलम छोड़ के मुझे सॉर्ट करना है, एक एक कॉलम छोड़ के। यहाँ देखिए, हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, हर एक कॉलम के बाद इस तरह से ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो अगर आप मैनुअल करते हो तो काफी टाइम आपका लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीरियल नंबर देंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे रिसर्च के लिए। तो यहां से आपने देखा कि मैंने ऊपर से नीचे तक इस तरह से सॉर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इसी को कॉपी करना है और इसी के नीचे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां शॉर्ट में जाऊंगा, शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। और कस्टम शॉर्ट में जाने के बाद मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दूंगा। तो इसमें होगा क्या कि 2017 आपको यहाँ 2107 आपको यहाँ दिख रहा है जो कि ब्लैंक है, और ऊपर में देखेंगे 2107 में डेटा होगा। जब शॉर्ट होगा तो दोनों इकट्ठा हो जाएगा। हमने सीरियल नंबर को रिपीट कर दिया है, एक पे डेटा और एक पे ब्लैंक रो दे दिया है। और जैसे हम यहाँ से ओके करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रो एक ब्लैंक हो गया। मैं दोबारा समझाता हूँ एक छोटे डेटा पे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। जैसे इतना छोटा डेटा हम लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि हमने सीरियल नंबर को लिया, कॉपी किया और इसी के नीचे रिपीट कर दिया, क्योंकि मुझे एक एक चाहिए इसलिए एक बार रिपीट कर दिया, दो चाहिए तो दो बार रिपीट करूंगा। क्या होगा कि जब हम डेटा शॉर्ट करेंगे तो A1 है, मान लीजिए इसका असेंडिंग में शॉर्ट करेंगे तो A1 और A1 एक जगह इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, और A1 जो है सिर्फ सिंगल नहीं आया, पूरा का पूरा रो लेके आएगा, पूरा का पूरा हमारा रो लेके आएगा। तो दोनों जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो ये आपका इस तरह से 1 और 1 इस तरह से आपको दिख जाएगा। सही है, अब इसको सॉर्ट करते हैं। कस्टम सॉर्ट, और यहां पे सीरियल नंबर दिया हमने एंड ओके कर दिया। अब कॉलम को डिलीट कर दीजिए आप, हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा ऐसा आता है जिसमें इस तरह से ब्लैंक रो होते हैं, कुछ डेटा 5-10 के बाद ब्लैंक, फिर 5-10 के बाद फिर ब्लैंक, ऐसे ब्लैंक होता है। तो हमें इस ब्लैंक को डिलीट करना है। तो ब्लैंक को डिलीट करने के लिए क्या होता है कि आप इसको सेलेक्ट करते हैं और फिल्टर वगैरह लगा के लोग करते हैं, लेकिन मैं कहता कि नहीं, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसको ब्लैंक कर लीजिए, इस पे शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया सिटी, सिटी के हिसाब से हम इसको शॉर्ट कर देंगे। मतलब कि किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट मार दीजिए, आपका जो ब्लैंक रो होगा वो ब्लैंक रो नीचे आ जाएगा। तो माफ कीजिए, मैं सिलेक्शन करने में गलती कर दी, यहाँ पर नीचे और भी था। तो इसको हमने कस्टम शॉर्ट पे गए और सिटी वाइज हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो जितने भी ब्लैंक रो थे वो नीचे आ जाएंगे। तो डिलीट करने में दिक्कत होता है, वो दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, राइट सर। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि मैंने आपको बताया कि एक एक रो के बाद इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि हर तीसरे रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। ये कैसे होगा, ये आपको रिसर्च करना है, इस वीकेंड का रिसर्च है आपका, हर तीसरे का ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें जरूरत क्या है इस ब्लैंक रो इंसर्ट करने की। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताते हैं जहां आप समझ पाएंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ नेम है, नेम का लिस्ट मैं दे देता हूं, और यहां पे मैं
प्रोडक्ट का लिस्ट या डे का लिस्ट, कुछ ऐसे ही लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं, 20 या 20 से ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल 20 रखते हैं। और मैं यहाँ पे डेटा फिल कर देता हूँ। तो मेरे पास इस तरह से डेटा टेबल आया हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि हर एक कॉलम के बाद, जी हाँ, हर एक कॉलम के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है इस तरह से। फिर यहाँ परसेंटेज देना है और यहाँ पे हर नंबर को डिवाइड करना है 70 से, क्योंकि 70 हमारा टारगेट है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंट हमने टारगेट अचीव किया हुआ है। फिर नीचे तक ड्रैग करेंगे और फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, इसका परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। ठीक है सर? ठीक है सर। अब तो 20 कॉलम है या 20 से ज्यादा हो, 1x1 करने में तो काफी टाइम लगेगा, और मान लीजिए 150-200 कॉलम हो तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे ऊपर में, और यह हम सीक्वेंस नंबर देंगे इस तरह से 1 और 2। हम जैसे कि कल बताया था कि हम सॉर्टिंग टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट दोनों कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। और नीचे हेडिंग में हमें परसेंटेज चाहिए, तो हेडिंग में परसेंटेज डाल के और सारा परसेंटेज को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, नेम सिलेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि हेडिंग सिलेक्ट नहीं होती है टॉप टू बॉटम में। और उसके बाद मैं यहाँ शॉर्ट पे जाऊँगा, कस्टम शॉर्ट। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग, यहाँ 1, 2, 3 दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करूँगा लेफ्ट टू राइट, और यहाँ रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग जाऊँगा। ठीक है, देन ओके पे प्रेस करूँगा। तो आपने देखा कि हर के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, क्या सर? ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया ना सर? अब मुझे इस पर डिवाइड करना है, तो मैं यहां पर कुछ ऐसे ही लिख देता हूं ब्लैंक छोड़ के। उसके बाद यहां फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल जाते हैं। तो गो टू स्पेशल क्या है कि जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो यहां पे मैंने क्लिक करके ओके करेंगे, वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी डेटा में। जैसे कि हमने ब्लैंक किया, तो डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। गया? अब एक थ्योरी समझ लीजिए कि आप एक सिलेक्टेड एरिया में कुछ भी वैल्यू टाइप करके एंटर मारेंगे तो नीचे आप यहां भी इस तरह से टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल एंटर, तो जितना सिलेक्टेड है सब पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि सिलेक्टेड सेल में अगर आपने कुछ टाइप करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, तो जितना भी सिलेक्टेड सेल है उस पर डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो हमने जितना ब्लैंक था उसको सिलेक्ट कर लिया, किसकी मदद से? तो गो टू स्पेशल में हमने ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो पूरा डेटा के अंदर जो ब्लैंक था वो ब्लैंक सिलेक्ट हो गया। फिर मैं क्या किया कि मेरा कर्सर कहाँ पे? C3 में है, ए वहां 1 हम इसे डाला था, नहीं तो क्या होता, ए आपका A1 होता। तो हम C3 में है, तो हम C3 पे यहाँ आ गए और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाई 70 करके नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर कर लिया और फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, और कुछ और भी देना है तो और भी दे दीजिए, और फिर इसको यहां से डिलीट कर दीजिए, ऊपर का लाइन डिलीट कर दीजिए। ये आपका डेटा हो गया। जिस काम के लिए आपको घंटों लग सकता था वो हमने कुछ मिनट्स में कर दिया। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं सर? है सर। राकेश जी, जय कुमार जी, आया समझ में? हाँ सर। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉर्टिंग में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि मुझे हर 3 कॉलम के बाद एक नया कॉलम ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपको सॉल्व करके देना है, ये आपका बिगिंस में होगा। सॉर्टिंग के बाद बात करते हैं फिल्टर की। डेटा फिल्टर करना ये बहुत प्रायोरिटी होता है, क्योंकि डेटा आपके सामने है
तो मुझे अपने हिसाब से फिल्टर करना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं 2000 डेटा दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें से मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर नेम का डेटा देखना है क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिल्ली का डेटा देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, या फिल्टर दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लीजिए, या कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल यानी दिख जाएगा आपको। फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे जिस सिटी को चाहिए उस पर आप करेंगे, अब यहाँ क्या होगा कि जो जो क्लिक है वो सब होगा। मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं अपना स्टेट जैसे दिल्ली है, मैं दिल्ली को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो मेरे पास सिर्फ दिल्ली का डेटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ सिर्फ दिल्ली का डेटा आपका दिख रहा है, बाकी डेटा हिडन होंगे। उस तरह से मुझे दिल्ली के अंदर मान लीजिए मुझे नीतू का देखना है, या पूजा का देखना है, या कविता का देखना है, तो इस तरह से मल्टीपल फिल्टर भी हम लगाएंगे, यहाँ पे हमें दिखता चला जाएगा। तो बाकी डेटा क्या होता है, डिलीट नहीं होता, बाकी डेटा हमारा हाइड हो रहा है, और फिल्टर लगा हुआ है, ये दो चीज़ों से पता चलता है, एक यहाँ फिल्टर का निशान आपको दिखेगा इस तरह से, और दूसरा ये आपके जो रो नंबर है वो ब्लू हो जाएंगे, इसका मतलब कि फिल्टर अप्लीकेबल है। तो यहाँ से जो चीज को सिलेक्ट करेंगे वही आपको यहाँ विजुअल होगा, जिसको सिलेक्ट कीजिए आप। इसमें भी कंडीशंस है, जैसे कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ आपने सिलेक्ट किया, इसके अलावा टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है ढूंढ नहीं पा रहे हो तो यहाँ इक्वल में जाके डाल दीजिए, उसके अलावा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि डज नॉट इक्वल दिल्ली के अलावा सब आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया एंड ओके कर दिया, तो दिल्ली के अलावा सारा दिखेगा, दिल्ली सिर्फ नहीं दिखेगा, सॉरी। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में बिगेन विद, अभी क्या है प्रॉब्लम क्या है कि हमारे डेटा में दिल्ली भी है और न्यू दिल्ली भी है, तो दिल्ली किया तो न्यू दिल्ली यहाँ नहीं दिखा, तो उस केस में हम यहाँ पे बिगेन विद दिल्ली कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों दिख जाएगा, मतलब कि वो कंट्रोल एफ की तरह वर्क करेगा। एंड विथ लास्ट में कुछ हो जैसे पूजा सिंह, नीतू सिंह, ऐसे अगर कोई सिंह हो या शर्मा हो, ऐसे टाइटल के अकॉर्डिंग करना है, या लास्ट वर्ड के अकॉर्डिंग करना है, कंटेन कोई सा वर्ड बीच में मिलता जुलता हो उसके लिए करना है, डज नॉट कंटेन उसके अलावा, तो यहाँ पे कस्टम फिल्टर पे यहाँ पे सारे कंडीशंस आपको मिल जाएंगे, देख के आप अप्लाई कर सकते हैं, आप चेक कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटी, मतलब कि नंबर फिल्टर, नंबर फिल्टर पे नंबर तो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे इक्वल कोई पर्टिकुलर नंबर, उसके अलावा ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ 50 वाले सारे दिख जाए तो ओके करूंगा, तो यहाँ 50 वाला पूरा नंबर दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन दो नंबर के बीच की, या टॉप 10, मैं चाहता हूँ इससे हाईएस्ट टॉप 10 वैल्यू सिलेक्ट हो जाए, ओके कीजिए, यहाँ पे टॉप 10 होगा। सोच रहे होंगे कि टॉप 10 से तो 90 ही आ रहा है, वो भी यहाँ पे 27 अगर टोटल किसी काउंट कर रहा है, तो टॉप 10 में दिखता है कि टॉप 10 नंबर क्या है, जिसमें क्या है 90 10 बार है, 90 10 बार नहीं 27 बार है, तो उसने 90 को दिखा दिया, तो अगर मान लीजिए टॉप 10 नंबर में नंबर कोई रिपीट है तो रिपीट को भी दिखाएगा। अबव एवरेज, मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी डेट कॉलम की जो एवरेज है उससे बड़ा दिखा दे, तो जो एवरेज था उससे इसने ऊपर दिखा दिया। तो इस तरह से आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे डेट होगा तो डेट रिलेटेड है यहाँ पे नंबर फिल्टर होगा, इसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा। राइट सर, राइट सर, कोई डाउट था आप लोगों को? नो सर। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, फिल्टर से रिलेटेड रिसर्च करना है, राइट सर। उसके अलावा क्या है कि यहाँ होम मेनू बार में जैसे कॉपी पेस्ट और ये जो पेस्ट स्पेशल मर्ज सब जो चीजें थी बेसिक चीजें थी, इसमें कुछ चीजें हमने छोड़ भी दी हैं, तो आपको क्या करना है कि बैठ के होम मेनू बार के स्कैन करना, जय कुमार जी आपको ही बोलना हो, इसमें से कोई ऐसा चीज जो आपको ना आता हो, बेसिक एडवांस कुछ भी हो ना आता हो, आपको दोबारा सीखना हो, तो मुझे आप बता दीजिएगा, लिस्ट बता दीजिएगा, मुझे ये सिखाना है ये सिखा दीजिए, तो मैं वो चीजें अगली क्लास में कंफर्म करके हम पिवट टेबल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है मनीष जी, राकेश जी, भगवान जी और जय कुमार जी, विदाउट ठीक है सर। डिस्मिस। तो आप एक बार लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, एक एक ऑप्शन को अप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक चीजें थी
तो हमने कई चीजें छोड़ी है इसलिए, क्योंकि टाइम उस पर क्यों वेस्ट करें। ठीक है सर। लेकिन मुझे आपकी नॉलेज तो पता नहीं कि आपके पास क्या नॉलेज है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा, जो चीजें आपको होगी बता दीजिएगा। ठीक है सर। यहाँ पे एक भगवान लाल जी का एक प्रॉब्लम था, मैं एक बार उन पर डिस्कस कर लेता हूँ। भगवान लाल जी, आपने डेटा तो बना लिया, तो इस डेटा में क्या रिपोर्ट चाहते हैं आप? सर ये लापू नंबर है उसका क्लोजिंग बैलेंस मान लो, ये पहला वाला लीजिए। ठीक हाँ, एक लैपटॉप नंबर है मान लीजिए, हाँ इसका ले लिया। यहाँ पे डेटा किस पे है? 2938 पे है, 20,860 59। आपको चाहिए क्या डेटा? आपने सेकेंड डे में मुझे ओपनिंग में चाहिए बैलेंस हुई। कहाँ चाहिए? अभी ये तारीख है 1 मार्च, सेकेंड तारीख को अगर जाता हूँ मैं तो यही ओपनिंग में आना चाहिए मुझे, जो क्लोजिंग है यहाँ पे 6,600 हाँ, लैपटॉप के ऊपर। हाँ नंबर का। और यहाँ पे एक लैपटॉप नंबर एक ही बार आ रहा है या रिपीटेड है? इससे एक डेट में एक ही बार आता है, ओके, तो आप चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, या आप डालने सेकेंड तो आपको नहीं है ना? बराबर सेकेंड डे में ऑटोमेटिक आ जाए। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना था, आपको क्या करना था कि एक कॉलम आपको नया ऐड करना होगा। ठीक है सर, यहाँ देख लीजिए, डेट प्लस इसको आपको डेट को कंबाइन करना है इसमें, यहां राइट, बराबर इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, एक यूनिक नंबर बन गया। अब आपका सेकेंड तारीख जो यहाँ आपका है, 2 मार्च है, ये देखिए, जैसे कि ये हुआ तो ये आपका लैपटॉप नंबर यूनिक होगा, किसी और प्रोवाइडर यूनिक होगा नहीं होगा ना, नहीं होगा, एक डेट में एक ही बार होगा। एक डेट में एक ही बार होगा, और एक ही प्रोवाइडर का, हर प्रोवाइडर का अलग अलग नंबर है ना आपका, बराबर हर ऑपरेटर का भी अलग अलग है। हर ऑपरेटर का भी अलग है। जैसे कि एयरटेल, यहाँ एयरटेल है तो ये होगा, और यहाँ आपके BSNL के लिए कोई और लैपटॉप नंबर होगा, ये भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप एक पहली तारीख का जो यहाँ पे आप यहाँ नीचे जो दूसरे तारीख से जो ये लिख रहे हैं सर, इसको ये आपको ओपनिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से आएगा? हर डेट का ऊपर से आएगा। कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डेट डालना है, आप यहाँ पे 1 मिनट, इससे पहले की डेट चाहिए आपको ना, बराबर तो आप वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, 1 मार्च को -1 करेंगे। छुट्टी तो नहीं होती है ना सर? क्या छुट्टी वगैरह तो नहीं होती है ना? नहीं होती सर? मैं ऑफ वगैरह तो नहीं होता है ना? नहीं दो तारीख है तो 1 तारीख ही चाहिए, 3 है तो 3, 2 तारीख है चाहिए, ऐसे चाहिए ना बस। बराबर बराबर उसके बाद यहाँ हम डैश लगाते हैं, कॉमा, उसके बाद हम जो है अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा जो सिलेक्ट कीजिएगा जहां तक है उससे ऊपर तक का ही डेटा होना चाहिए, नीचे का नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस ये है, इसी का चाहिए ना, ये नहीं चाहिए ओपनिंग में आपको? लास्ट डेट का क्लोजिंग बैलेंस हाँ, तो क्लोजिंग यही ना आपका, क्लोजिंग आई में, आई आई का चाहिए या के चाहिए आपको? चाहिए। आई आई ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0। ये लैपी नंबर नहीं है क्या ऊपर? ये ऊपर नहीं है क्या सर? ऊपर नहीं, मतलब नहीं रहेगा शायद, वो क्या वाला है नहीं ना, रहेगा। वो आप चेंज कर दीजिए ना, वाला आपको नंबर ऊपर वाला डाल दीजिए, एक हाथ का। हाँ एक मान लीजिए कि इसी का डाल देता हूँ मैं यहाँ। ओके।
तो सर ये फॉर्मूला मुझे जरा इस पे भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे, मैं मेल कर देता हूँ आपको, चलेगा। ठीक है, और इसको नीचे ड्रैग करने से पहले यहाँ पे A1 को फ्रीज करना होगा, A29 कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये A में अपने को क्या लगा है, DL प्लस CN, ये किस लिए? इसमें यूनिक नंबर बनाने के लिए कि डेट के हिसाब से यूनिक नंबर बनेगा, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, प्लस कर दिया, दोनों ज्वाइन कर दिया, डेट एंड आपका लैटिन नंबर, इस तरह से एक यूनिक नंबर बन गया। अब लुकअप क्या है, इसको लुकअप कर रहा है। अब जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ डाल देते हैं, तो ये आपका, अब देखिए यहाँ पे 3 मार्च, ये आपका जो 3 मार्च का है ना, 2 मार्च अगर यहाँ होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 2 मार्च में यहाँ डाल दिया, यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ तो नहीं है, चार मार्च में है, मैं समीप से ट्राई कर रहा था, ये समीप मतलब सम कर देगा ना आपको, सम इफ्स लगेगा, सम इफ्स भी हो जाएगा सर, सम आईएफएस होता है, इससे हो जाएगा, जैसे कि आईएफएस भी हो जाएगा, जैसे कि ये आपका हमारा 9 मार्च है, राइट सर? हाँ। तो 9 मार्च का लाइफ नंबर मान लीजिए हम यहाँ इस पे देते हैं, ठीक है, और यहाँ इसके इसमें मैं 8 मार्च कर देता हूँ, क्योंकि एक दिन पहले का चाहिए ना। आ गया? ओके। आ गया सर, क्या जाएगा? हाँ। बट ध्यान रखिएगा कि एक डेट में एक लैपटॉप नंबर एक बार ही होना चाहिए। हाँ, एक बार ही हो रहता है। जो डेट है यहाँ आप डाल रहे हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 13 मार्च को आपने यहाँ क्लोजिंग निकाल लिया, तो लैपटॉप नंबर का 12 मार्च में डेटा होगा तभी दिखाएगा, अगर 11 मार्च का हुआ तो नहीं दिखाएगा। अरे बाप रे, वो भी रहेगा? नहीं दिखेगा सर। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? सर सही बात, आपने एक दिन पहले की बोला है ना, बराबर एक दिन पहले की बात की है ना आपने सर। हाँ हाँ हाँ, तो एक दिन पहले भी दिख रहा है, अब 12 मार्च में आपने डेटा एंट्री नहीं किया तो कैसे दिखेगा इसके क्लोजिंग मार्च में? तो 12 मार्च में उस पर कुछ ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा तो वो नहीं आएगा, वो 12 मार्च में नहीं तो नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं फिर उसको? तो आप 12 मार्च को क्लोजिंग एंट्री, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बट एंट्री तो करना पड़ेगा ना, उस दिन का अकाउंट बुक में डालना। बराबर बराबर, वो भी है, एज पर अकाउंटिंग रूल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आपका ओपनिंग बैलेंस तो सिर्फ देना पड़ेगा ना, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेगा वो, बराबर। हाँ, वो देना पड़ेगा, जिस दिन एंट्री हो ना हो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके, मैं मेल कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय सर।